एक पर्सन था, उस बंदे ने एक मेरी आपकी तरह लाइफ शुरू की, आप जैसे हैं मैं हूँ। उसने कुछ उसके उसके फादर की डेथ हो गई, वो फैक्ट्री में काम करने लगे, ये भी अवेलेबल है, इसके इमेजेस भी अवेलेबल है। तो वो क्या हुआ कि 3-4 साल ना वो बेचारा सुबह कॉलेज जाए, कॉलेज से आके वो वॉशिंग कपड़ों की वॉशिंग करे क्योंकि उसके फादर नहीं थे, उसके बाद रात को नींद ना उसकी पूरी हो, 4-5 साल ये काम वो करता रहा। 4-5 साल बाद एक दिन वो ऐसे बैठा, उसने सोचा, उसने कहा यार अपने आप से क्वेश्चन किया, उसने कहा रैक्स यार अगर ऐसे चलता रहा तो भाई कपड़े धोते गुजरती जिंदगी गुजर जानी है सारी। तो ऐसा क्या करना है कि 4 साल बाद कोई कामयाबी हाथ लग जाए। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपनी चेकबुक निकाली और उस बंदे ने उसके ऊपर $1 मिलियन का चेक लिखा, ठीक है, और उस $1 मिलियन का चेक लिख के नीचे अपने साइन कर दिया और ऊपर नाम भी अपना लिख दिया कि मैं अपने अकाउंट से $1 मिलियन निकलवाऊंगा 3 साल के बाद। कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, अकाउंट में आएंगे तो निकलेंगे ना। तो उसने कहा मैंने जमा करवाने हैं, मैंने लाने हैं अकाउंट में, मैंने पैदा करने हैं, मैंने जमीन से निकालने हैं। और फिर जब उसने ये काम किया उसका मेंटेलिटी चेंज हो गया। वो जहां बैठा था उसने उसने क्या सोचना शुरू किया, उसने कहा मिलियन आएगा कहां से, ये $1 मिलियन कहां से आएगा। उसने सोचा, उसने प्लान किया, उसने कहा ठीक है मैं अपनी एजुकेशन कर रहा हूं, मैं अपनी वॉशिंग को छोड़ देता हूं, साथ में मैं मैनेजमेंट की एजुकेशन हासिल करता हूं क्योंकि मैनेजमेंट का ट्रेंड है। उसने मैनेजमेंट की एजुकेशन हासिल की, मैनेजमेंट की एजुकेशन हासिल करने के बाद उसने मैनेजमेंट कंपनियां बनाना शुरू कर दी, स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए, स्ट्रक्चर बना के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बेचने शुरू कर दिए। और उसने 4 साल लिखे थे, 2 साल के बाद उसके अकाउंट में इससे ज्यादा बैलेंस था।